आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। घर से निकले युवक की बाइक, मोबाइल सहित अन्य सामान नदी के किनारे मिलने के बाद संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा एसडीआरएफ की टीम के साथ बीहर नदी में युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुढ़िया निवासी विपिन शुक्ला, पिता देवेंद्र शुक्ला, उम्र 22 वर्ष, कल सुबह घर से अपने मौसी की बेटी के यहाँ ग्राम मनकहरी जाने के लिए निकला था। इसके बाद वह घर वापस नहीं पहुंचा। परिजनों ने जब उसकी पता तलाश की तो उसकी बाइक सहित चालू हालत में मोबाइल और टोपी इटौरा बाईपास के समीप बीहर नदी के किनारे रखा मिला, जिसके बाद संदेह के आधार पर विश्वविद्यालय पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस द्वारा एसडीआरएफ की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। परिजनों ने बताया कि विपिन कल सुबह मनकहरी गांव जाने के बाद निकला था, जिसके बाद शाम करीब 4:30 बजे उसकी अपनी मां से बात हुई थी और इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर इटौरा बाईपास के समीप नदी के किनारे पहुंचे। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने 3/17 पर एक सीसीटीवी कैमरे में युवक को भी जाते हुए देखा है। वही युवक के मोबाइल का कॉल डिटेल भी डिलीट कर दिया गया है। अब संदेह के आधार पर बीहर नदी में उसकी तलाश की जा रही है। वहीं बाइक सहित चालू हालत में मिले मोबाइल और टोपी को लेकर भी तरह तरह के संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं। लड़का जो आपके साथ कल दोपहर तक था, अचानक उसकी गाड़ी और मोबाइल मिला है। मामला क्या था, कहाँ से निकले थे आप लोग? हम लोग दीदी के यहाँ गए थे, दीदी हमारे एक्सपायर हो गई थी तो आज उनका कल करम था, तो वहीं से हम लोग पहले तो वहीं पे थे, 11:30 बजे पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हम लोग मतलब पानी वानी गिरा, 2:30 बजे समथिंग बोले चलो चलते हैं, यही 2:40 में वहाँ से निकले थे। फिर साथ में आए हैं आधी रास्ता, फिर बोला मेरे को दीदी के यहाँ जाना है, तो इतना बोला मेरे को। फिर उधर से हम लोग साथ में ही थे तो उधर से वो तेज हो गया है और आगे निकल आया, फिर मैं पीछे पीछे था तो 1.5 किलोमीटर आगे निकल गया, फिर ये पता नहीं कि कहाँ गया। फिर हम लोग अब घर चला गया था मैं, फिर जब वो उसको 4:30 बजे से फ़ोन लगाने लगे कि कहाँ है, वहाँ पहुँचा तो नहीं उठाया, तो मैं उनके जो दीदी को बोला था जाने के लिए तो उनको फ़ोन लगाया, वो बोली नहीं मेरे से कोई बात नहीं हुई है, ना मेरे यहाँ आया है और ना मेरे से कोई मतलब बात नहीं हुई ना आया। फिर मैं उनकी मम्मी को फ़ोन लगाया घर में, तो बोले कि मौसी वो आया है क्या, तो बोली नहीं घर भी नहीं आया। तो हम लोग फिर फ़ोन लगाने लगे, फिर मैं गांव से रीवा आया, फिर यहाँ विश्वविद्यालय थाना पास आया तो मोबाइल वोबाइल ट्रेस करवाया। फिर हम लोग यहाँ आए तो उसकी गाड़ी और मोबाइल चाबी लगी थी गाड़ी में, उसकी टोपी टगाई हुई थी, अभी भी टगाई हुई है, मतलब गाड़ी के ऊपर मोबाइल रखा हुआ था, चाबी चालू, हाँ चाबी बंद थी, चाबी बंद थी, मतलब वही लगी थी उसी में, वो नहीं मिला अभी तक आपको? नहीं वो अभी नहीं मिला हम लोग को, मतलब कल वो समथिंग 3 बजे से 3:17 में कैमरा में दिखा था हम लोग, हाँ कोई धर्म काटा है उसमें 3:17 में कैमरे में दिखा है, उसकी फोटो भी लिए थे हम लोग, अकेले आ रहा है। पीछे से दो मोटरसाइकिल निकली, पीछे से दो मोटरसाइकिल जस्ट बगल निकली है, एक में फेस कवर था वो पता नहीं, और एक सामने वाला भी फेस कवर, एक सामने दो जो एक में दो लोग बैठे थे वो दोनों लोग फेस कवर किए थे, एक तो नॉर्मली ऐसे दिख रहा था, स्कूटी स्कूटी भी था। फिर वो उसके बाद हम लोग यहीं 8:30 बजे शायद पहुंचे हैं, तो गाड़ी में मोबाइल दिखी है तो मैं मोबाइल जरूर उठाया हूँ, गाड़ी नहीं टच किया, मोबाइल फोन चालू था, उसके घर से फोन आ रहा तो मैं उठाया, मैं बोला मैं मोबाइल पा गया हूँ, फोन अभी भी चालू है, मतलब सर लोग ले गए हैं, पुलिस वाले सर ले गए हैं, तो फोन अभी मतलब मैं उठाया बोला उसके घर से फोन आ रहा था, मैं बोला फोन पा गया हूँ, उसको नहीं पाया हूँ, देख रहे हैं। फिर हम लोग यहीं इसी जंगल में ढूंढे हैं, अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। सुबह मोबाइल में जो आप लोगों ने देखा होगा क्या कॉल और किसी के आ रहे थे, उसकी हिस्ट्री डिलीट है, बीच की पूरी कॉल हिस्ट्री, मम्मी को फोन किया है 4:35 में, वो भी हिस्ट्री नहीं है उसमें, और बीच की हिस्ट्री डिलीट है, जैसे हम लोग सुबह लगाए थे, मतलब सुबह किसी की नहीं है, किसी अपने उसके घर में काम लगा था तो वो मिस्त्री को फोन लगाया था बस वही है, फिर हम लोग का मिस कॉल बस पड़ा है, बाकी जो बीच की हिस्ट्री डिलीट है, बीच की हिस्ट्री उसकी डिलीट है। क्या नाम था उनका? विपिन शुक्ला। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बुढ़िया रायपुर करचुलियान थाना लगता है, बुढ़िया गाँव। आपके कौन लगेंगे? मेरे मौसी का लड़का है, हम लोग साथ नहीं थे, उधर से आए थे। आपका क्या नाम? विवेक कुमार पाठक।